सनातन धर्म पूजा पद्धति का प्रमुख अंग है देव अर्घ। प्रतिदिन की पूजा के बाद हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं, इसके बाद ही पूजा पूरी होती है। इसी तरह कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें पूजा के बचे जल को घर में छिड़कने के बाद अर्घ देकर समाप्त किया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक हर दिन व्यक्ति को सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, लेकिन अर्घ देते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हर दिन सूर्य देव को अर्घ देने से जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है, घर परिवार में सुख शांति आती है, इसके साथ ही निरोगी जीवन प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अर्घ जल में कौन सी वस्तुएं अवश्य मिलानी चाहिए, साथ ही अर्घ देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखें। धर्मशास्त्र में सूर्य देव को नारायण का स्वरूप बताया गया है, वहीं ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह के राजा हैं सूर्य। सूर्य देव को अर्घ देने मात्र से सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, नौकरी व्यापार में सफलता मिलती है, घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इसके साथ ही कुंडली में सूर्य के मजबूत होने से जीवन की बाधाएं दूर होती है, धन और स्वास्थ्य जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए पूजा पद्धति का प्रमुख अंग बताया गया है सूर्य देव को अर्घ देना। आइए अब आपको बताते हैं कि सूर्य को अर्घ देते समय हमें अर्घ जल में क्या मिलाना चाहिए और उससे क्या लाभ होता है। सूर्य देव को अर्घ देना सबसे सरल सूर्य उपासना है। अर्घ देने से सूर्य देव जल्दी प्रसन्न होते हैं। तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ देना उत्तम होता है। सिर्फ जल से सूर्य देव को अर्घ न दें। अर्घ जल में रोली या लाल चंदन मिलाएं। सभी कामों में सफलता मिलती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अर्घ जल में गुड़ या कुछ मीठा मिलाएं। धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है। अर्घ जल में लाल फूल डालकर अर्घ दें, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। अर्घ जल में साबुत चावल डालकर अर्घ दें, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। अर्घ जल में हल्दी मिलाकर अर्घ दें, विवाह की बाधाएं दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन की मधुरता बनी रहती है। अर्घ जल में काले तिल मिलाकर अर्घ दें, पितरों को शांति मिलती है, ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं और असाध्य रोगों में शांति मिलती है। अर्घ देते समय सूर्य देव के किसी भी मंत्र का उच्चारण करें। शास्त्रों के मुताबिक हमें सूर्य देव को सिर्फ जल से अर्घ नहीं देना चाहिए, अर्घ जल में इन वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए, तभी आपको सूर्य पूजा का पूरा फल मिलता है। इसके साथ ही जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। आइए अब आपको बताते हैं सूर्य देव को जल अर्पित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य देव को धीरे धीरे अर्घ दें। अर्घ देते समय यह ध्यान रखें कि जल की बूंदें आपके पैरों पर न गिरें। अर्घ ऐसी जगह दें कि उस जल से किसी का पैर न लगे। अर्घ ऐसी जगह दें जिससे पानी किसी पेड़ में चला जाए। अर्घ देते समय मानसिक रूप से मंत्र जप करें। अर्घ देते समय बोलकर मंत्र जप न करें। इन सावधानियों को ध्यान में रखकर हमें प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। जो लोग विधि पूर्वक सूर्य उपासना करते हैं उनके जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता, जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, जीवन निरोगी बना रहता है। धर्माचार्यों के मुताबिक विद्यार्थी वर्ग और परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को तो हर दिन सूर्य उपासना करनी चाहिए। सूर्य उपासना करने से अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलती है, रोजगार की समस्या से छुटकारा मिलता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन। स्तुति।